अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बताएं कि हम जिंदगी ऐप से कैसे रकम को ट्रांसफ़र कर सकते हैं किसी भी बैंक के अंदर, इजी पैसा के अंदर, जायज़ कैश के अंदर, किस तरह से हम जिंदगी ऐप से रकम को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। दोस्तों, मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि हम जिंदगी ऐप से, जिंदगी अकाउंट से हम किस तरह से इजी पैसा के अंदर रकम भेज सकते हैं। दोस्तों, मैं जिंदगी अकाउंट को जाके लॉगिन कर लेता हूँ। लॉगिन करने के बाद हमारे पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। ये हमारा अकाउंट जो है लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन करने के बाद हमारे पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा कि मैं अपने अकाउंट के ऊपर लॉगिन हो गया हूँ। लॉगिन होने के बाद दोस्तों, अब नेक्स्ट के इधर हम सेलेक्ट करेंगे मूव मनी। दोस्तों, मूव मनी के ऊपर इसको मैं क्लिक कर देता हूँ। मूव मनी यानी कि मैं रकम को ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ। दोस्तों, मैं रकम को ट्रांसफ़र करना, तो मेरे पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा कि आपने किस अकाउंट के अंदर रकम को ट्रांसफ़र करना है। दोस्तों, इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। आप जिंदगी ऐप के अंदर रकम को ट्रांसफ़र करना चाहते हैं या बैंक अकाउंट में या CNIC में या रास्ट में, तो दोस्तों मैं भेजना चाहता हूँ इसको बैंक अकाउंट के अंदर, यानी कि मैंने इजी पैसा के अंदर रकम ट्रांसफ़र करनी है, इसीलिए मैं यहाँ पर सेलेक्ट करता हूँ बैंक अकाउंट को। तो मैं दोस्तों बैंक अकाउंट को यहाँ पर क्लिक कर लेता हूँ। जैसे मैं बैंक अकाउंट को क्लिक कर लेता हूँ, तो मेरे पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर प्लस के साइन को क्लिक करता हूँ। ये प्लस का साइन जो हमें नज़र आ रहा है, इसके ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा, तो मेरे पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। कहने के चूज़ बैंक, बैंक को सिलेक्ट करें और अपना अकाउंट नंबर को सिलेक्ट करें। तो यहाँ पर दोस्तों मैं इस निशान को दबाऊँगा, तो चूज़ बैंक का ऑप्शन हमारे पास आ जाएगा। तो मैं इसको क्लिक करता हूँ, किस बैंक के अंदर मैं रकम ट्रांसफ़र करनी है। तो दोस्तों, मैंने इजी पैसा के अंदर करनी है, तो मेरे पास कुछ इस तरह का इंटरफेस जो है स्क्रीन के ऊपर आ जाएगा। तो मैं यहां से सेलेक्ट करता हूं इजी पैसा। दोस्तों, मैं इजी पैसा क्लिक करूंगा। आपने जिस अकाउंट के अंदर भी रकम भेजनी है, तो बैंक अकाउंट को सिलेक्ट करते हुए आप जो है रकम को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। दोस्तों, मैंने यहाँ से इजी पैसा को सिलेक्ट कर लिया। जैसे मैंने इजी पैसा को सिलेक्ट किया, तो मेरे पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आ गया। तो मैंने अपना नंबर लिखा, इजी पैसा सिलेक्ट किया, अपना मोबाइल नंबर लिखा और अमाउंट लिखी और निक नेम लिखा और इसको सेव कर लिया, ताकि आइंदा से भी मैं रकम ट्रांसफ़र करना चाहूँ तो मैं अपना जो है निक नेम इसके अंदर इंटर कर देता हूँ। यहाँ पर इजी पैसा लिखें, इधर अपना अकाउंट नंबर लिखें, अमाउंट लिखें और कोई भी पर्पज़ पेमेंट आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। किसी को भी सिलेक्ट करें तो आपको जो है ये बिल्कुल अच्छे तरीके से हो जाएगा। फिर दोस्तों, मैं नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करता हूँ। नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करूँगा, मेरे पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। वो मेरा अकाउंट नंबर बताएगा कि आपका नाम इस अकाउंट से है। इसको वेरीफाई करने के लिए हमें इस तरह से एक रसीद आ जाएगी। इस नाम का अकाउंट है जो कि इजी पैसा का बना हुआ है, जो नाम शो हो गया और मेरा नाम शो हो गया। इसकी फ़ीस जो है ज़ीरो है। और सेंड मनी के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ सारी वेरीफिकेशन करने के बाद। उसके बाद दोस्तों इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो मैं सेंड मनी क्लिक करता हूँ, कहेगा अपना पिन कोड लगाएं। तो मैं इधर अपना पिन कोड इंटर करूँगा। कोई भी आप पिन कोड जो आपने लगाया होगा, अपना पिन कोड इंटर करें। इंटर करने के बाद नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर दें। तो नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करता हूँ, तो पेड वाली ऑप्शन हमारे पास इस तरह के शो हो जाएगी। ये पेड की स्टैम्प हमारे पास शो हो रही है कि आपने पैसे ट्रांसफ़र कर लिए हैं और ये रकम सक्सेस हो चुकी है और आपने मनी ट्रांसफ़र कर दी। आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं इस रसीद को। दोस्तों, मज़ीद ऐसे वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।